बस ऐसे ही सर आ जाए वेलकम शेर अफजल मरवत साहब आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं काफी दिनों के बाद आप खुशी जो है क्या वजह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई एक मिनट वेट कर अच्छा थोड़ा सा मोबाइल पीछे कर लो जो पीछे करना चाहते हैं आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आज काफी पहले मैं खान साहब से मुलाकात की रुजात बता दूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया कुछ खान ने गिले किए लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है और खान ने जो है खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब और नईम इधर पंजोता साहब मौजूद थे तमाम क्यादत मौजूद थी तो खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है मैंने खान को बताया कि कौम निकलने के लिए तैयार हैं और बस आप जिम्मेदारी मुझे दे दें नतीजे जो भी होंगे वो जिम्मेदारी हम पे पड़ेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए हम कौम को निकालें तो खान से बड़े ही शीर शक्र हुए बड़े आज खान और खान ने ताकीदन कहा कि आप क्यों नहीं आते थे और आने का कहा तो लिहाजा अब मैं इंशाल्लाह अलबत्ता एक बात खान की हिदायत के तहत मैंने अपने दिल में क़ियादत जो इख्तलाफात थे सब मैंने ख़त्म कर दिए हैं मेरी तरफ से माफ़ी है और आइंदा जो है मीडिया पे क़ियादत के हवाले से मीडिया से भी मेरी इस्तेदा है कि मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा ना करे और ना मैं दिल में उनके लिए कुछ रखता हूँ तो लिहाजा बात आज खान के बात करने के साथ ही ख़त्म हो गई अच्छा भरोसा ये बताइएगा जो आपके साथ इमरान खान के और जो दूरियाँ थी वो आज सारा कुछ क्लियर हो गया जरा ये बता दें कि फिर क्या आप पार्टी में वापस जा रहे हैं या नहीं पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था मैं वो नोटिफिकेशन ये ली था यार कौन सा नोटिफिकेशन वो तो मैंने पहले भी कहा था शेर अफजल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है कुछ लोगों ने खान साहब के कान भरे हैं अब आपकी मुलाकात भी हो गई अगर दोबारा खान साहब के कान भरे गए और इस तरह की सूरत हाल हुई तो फिर उस पे खान साहब ने खान साहब ने कहा मैंने उन्हें कहा और खान साहब ने फिर इत्तेफाक किया मैंने कहा कोई गिला है आपको तो आप बैरिस्टर गौर से पूछे या अली अमीन खान से पूछे अगर और फिर इसकी तहकीक करें ताकि पता चले कि कोई झूठ मूठ की बात है या सच्ची बात है तो खान साहब ने इस पे इत्तेफाक किया शेर अफजल मरवत अभी खान साहब ने आपको टास्क दिया है जलसे का भी लोगों को बाहर निकालने का भी मुल्क के मौजूदा हालात और जिस तरह आपके ऊपर ग्रिप आ गई है कितना मुश्किल होगा आप लोगों की कौन सी ग्रिप आ गई है ग्रिप हमने कभी मानी ही नहीं है तो लिहाजा ग्रिप की हमने कभी परवाह ही नहीं की है ये जो सारा मीडिया लगा हुआ था निकाल दिया किधर गया वो निकाल दिया वड़ गया सारा ये ड्रामे थे मैं पहले दिन से बता रहा था खान के साथ 1.5 साल तक मैं इतना ज्यादा मिला हूँ कि मुझे पता है ना खान और हमारी मोहब्बत कोई चुगलियों से दूर नहीं कर सकता है तो लिहाजा खान मेरा लीडर था मैंने उस वक्त भी कहा जब मुझे कहा गया कि आपको निकाल दिया सीट वापस कर दें तो मेरा जवाब यही था और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का आसासा है अच्छा ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पार्टी में बज़ाहिर खुलकर अख्तलाफात सामने आ गए शकील खान के मुस्ताफी होने के बाद आतिफ खान जुनेद अकबर और दीगर मुश्ताक गनी उसके हक में बोल पड़े क्या जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो बज़ाहिर अख्तलाफात नजर आ रहे हैं उसे खत्म कराने में भी आप अपना किरदार अदा करेंगे बिल्कुल सारे हमारे साथी हैं आज इस पर भी डिस्कशन हुई बैरिस्टर गौर साहब को खान ने वाजी इंस्ट्रक्शन दी है
कि पार्टी में जितने ये मसले मसाइल उठे हैं सबसे रजू करो, और खान ने वाज़े पैगाम दिया है कि कोई ग्रुपिंग मंजूर नहीं है, कोई इख्तलाफात मंजूर नहीं है, सबको बिठाओ और सबके मसले मसाइल, पंजाब का भी जिक्र किया और केपी का भी जिक्र किया। तो इंशाल्लाह जो हमारे साथियों के माबेन इख्तलाफात हैं बैरिस्टर गौर साहब, हम सब मिल के जल्दी उनको अजाला कर देंगे। इन्होंने साजिश करके आपको पार्टी से निकलवाया, आप खुद 3 महीने के लिए लंदन चले गए, पार्टी को छोड़ गए, तो ये सारा मामला तो था। मैं तो 3 महीने के लिए नहीं गया हूँ, आपको गलत फहमी है, मैं 21 दिन लंदन में रहा हूँ और आए हुए मुझे 1 महीना हो गया, तो लंदन में नहीं जाऊँगा। इस पर भी लोगों को तकलीफ है कि ये लंदन क्यों जाता है, भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, कौन मुझे रोकेगा, क्यों रोकेगा कोई, भाई हम बकरी तो नहीं है कि कुंडी से जो है हमें बांध ले। दूसरी बात ये है कि वो देखिए, मैंने अभी आप सबको अर्ज किया, एक इख्तलाफात थे जो आज से ख़त्म हो गए, तो लिहाजा जो भी मसले मसाइल थे मेरे, अब मेरे मुंह से इन लोगों के लिए आप अब कोई बात नहीं सुन सकते। इंशाल्लाह हम पहले लाहौर का रुख करेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि पार्टी में एक मैं ही बंदा हूँ जो लोगों को निकाल सकता हूँ, आपने बात भी आती है और एहतजाज के लिए आपने अजय कहा था कि खान साहब से मुझसे उम्मीद है कि लोगों को मैं एहतजाज के लिए भी निकालूंगा, अब आपको बहुत बड़ा टास्क भी मिल गया, तो ये बताइएगा कि लोगों को निकालना और फिर ज़ाहिर है गिरफ्तारियाँ भी होती है, तो क्या होगा आपका लायामल के लोग अगर पहली गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? बात सुने, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन दस्तूर और जमहूरियत को इंतहाई अशद ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कौम अमली मुजाहरा करें कि पाकिस्तानी मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। ये जो मुल्क में हो रहा है, जो कानून शिकनियाँ हो रही है, जो आइन शिकनी हो रही है, जो बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं, तो लिहाजा इसके लिए हमने अमली जदोजहद करनी है। पाकिस्तानियों सुन लो, किसी के सर पर सींग नहीं उठे हैं, और यही पाकिस्तान देखेगा और आप सब देखेंगे कि हम लाहौर में जाएंगे और लाखों की तादाद में जाएंगे। जिसने गिरफ्तार करना है कर लें, 22 अगस्त को यहाँ पे खान ने जलसा दिया है, इन उसी नहीं देते हैं, कुल के बता रहा हूँ कि हम फिर भी जलसा करेंगे। ये आर्टिकल 16 आईन पाकिस्तान हमें हक एहतजाज देता है, तो लिहाजा ये हमारा मुल्क है, और अगर किसी ने पहले NOC की बात की है या तसादुम से बचने की बात की है, आज मैं कुल का ऐलान कर रहा हूँ कि हम 22 अगस्त को जलसा करेंगे। हमने पहले भी जलसे किए, जुलूस किए, रैलियाँ निकाली, एक गमला तक नहीं टूटा, हम फिर पूरा मन रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमारे जलसे में रखना डालने की कोशिश की, पाकिस्तान के आवाम के खैज़ो गज़ब को दावत होगी, और इस तरह नहीं है कि अब हम मुँह या पीट करके भागेंगे, जलसा करेंगे। ये टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है, हिम्मत से, हौसले से और जुर्रत से कौम को निकलना होगा। आप गैर हाजिर रहे, स्वाबी में भी जलसा हुआ, लेकिन आपकी जो पार्टी की आदत है उन पर इल्जाम है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, आप सिर्फ जलसे करेंगे या कोई प्लान लेके आए ताकि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए? देखिए, जलसे जुलूस स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल कलां को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्ज़ाम खान पे नजर आ जाए कि खान के लिए हम जिम्मेदार होंगे किसी 9 मई के। गर्दन उतारनी है तो हमारी उतारो, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं बनाऊंगा, और न मैं खान से इसकी इजाज़त लूंगा, क्योंकि कल कलां को कहेगा कि खान ने यह कहा है कि आपने जनाब पंजाब में यह करना है। न कोई हम जलाओ गिराव करेंगे, हम आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे। इसके नतीजे में हम पे अगर जुल्म तशद्दुद या जबर होता है तो इसका जो जवाब होगा उसका मैं जवाब दूंगा, पार्टी की क़यादत या खान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जनरल फैज ख्वाब में हुआ होगा, वो अमली दुनिया में नहीं हुआ है। शुक्रिया। पंजाब में हम जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी ये है, पाकिस्तान